i want to show third opinion with mr. bashani. i'm your host, Jocelyn. mr. bashani, in this episode, i will be discussing few questions. and if you can please shed some light on that. so my first one is in regards to the new turn of iran, china, and india relationship in regards to the Char bahar port, which i believe is like a transportation system. if you can please elaborate on what's happening with this. थैंक यू जास एंड इसमें जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का इशू है सो एवरीबॉडी इज़ डिस्कसिंग तो हमने कहा हम भी इसमें अपना इनपुट दे देते दे हैं बुनियादी तौर पे ये जो है हुआ क्या है कि जैसे कि ये चार बार जो है एक पोर्ट है जगह है जहाँ पे इंडिया और ईरान मिलके तो पोर्ट डेवलप कर रहे थे ओके okay. और इसको बहुत हवालों से बड़ी इम्पोर्टेंस थी इसकी पोलिटिकली भी और औरी के हवाले से भी इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस थी चूँकि इसको एक तरह का जो है ना जो सी पैक है सी पैक के अंदर एक पोर्ट पाकिस्तान बना रहा है जो कि उसमें ग्वादर में है जो कि बलूचिस्तान में है और वो चूँकि पाकिस्तान चाइना एक पार्टनरशिप है पार्टनरशिप क्या है बल्कि उसमें पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना की है और उसका कंट्रोल भी चाइना के पास है और वो एक स्ट्रेटजिकली भी इम्पॉटेंट जगह है चूँकि उसके थ्रू जो है वो चीन को एक्सेस मिलती है पूरे समुंदर के अंदर और वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे चीन अपने जो स्ट्रेटजिकली जो चीज़ें इम्पॉटेंट समझता है मस मिलीटरी बेसिस या नेवल बेसिस या इस तरह की चीज़ें जो है वो डिवलप कर सकता है उसको क्यों इम्पोर्टेंट समझा जाता था इंटरनेशनली कि ये एक गेम चेंजर किस्म का वो पोर्ट है, है जो ग्वादर पोर्ट था okay. कि उसकी वजह से चीन की एक तो जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है वो वहाँ से होके समुद्र पे नज़र रख सकता है और वो अपनी वहाँ पे जो प्रेजेंस है उसको भी डेवलप कर सकता है क्योंकि उसके साथ जो पार्टनरशिप है जो पाकिस्तान की ज़ाहिर है पाकिस्तान उसके किसी इस तरीके किसी भी ऐसे अमल पे या एक्ट पे जो है वो ऑब्जेक्शन करने के लिए तैयार नहीं तो ये सी पैक से जुड़ता था तो सी पैक चूँकि एक कम अज़ कम एशिया में नहीं लेकिन साउथ एशिया में एक इम्पॉर्टेंट किस्म का इशू था कि उसमें जो चीन की इन्वेस्टमेंट है उसमें चीन के अज़ाइम क्या हैं उससे पाकिस्तान को क्या कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा और सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि वो चूँकि जिन इलाक़ों से गुज़र रहा था सी पैक जहाँ से स्टार्ट होता है जिसको हम गलगित बल्दस्म कहते हैं उस पर जो है वो इंडिया का क्लेम है कि ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और अल्टीमेटली इंडिया का हिस्सा है जिसपे इंडिया ने बार बार उसको एतराज़ किया तो उस हवाले से फिर जाहिर है कि उसका एक पहला रोल आप कह सकते हैं चार बार का पोर्ट समझा जाता था क्योंकि वो भी एक तरीके से इसी तरह एक तो उससे इंडिया को एक्सेस मिलती थी ओशन में दूसरा ईरान के साथ उसके मिलकर डेवलप डिवेलप करने की वजह से फिर उनका जो है एक एक्सेस बनती थी जाके तो अफ़ग़ानिस्तान में और फिर ये है कि ये बलूचिस्तान के साथ कुर्बत की वजह से जो बलोच लोग हैं या बलोच मूवमेंट है उस हवाले से भी इसका एक तलक बनता था जिस तरह के ग्वादर की वजह से जो ग्वादर तो है ही बलोचिस्तान के अंदर और बलोचिस्तान का हिस्सा है तो इसके साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई थी और ये समझा जा रहा था कि ये चीन के पैराल या पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसके पैरा एक इम्पार्टेंट किस्म की एक पोर्ट है एबूज़ पर जैसे कि अक्सर दूसरे मामला में हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की चूँकि एक पॉलिसी है वेरी ओपन पॉलिसी के चीन को ईरान के ऊपर जो पाबंदियों की उनको जो मुल्क तस्लीम करते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ईरान के साथ इस तरह की पार्टनरशिप में ना जाए चूंकि उससे फिर जो वाइलेशन समझी जाती है कि जो ईरान को आइसोलेट करने की या उसको पाबंद करने की या रिस्ट्रिक्ट करने की पॉलिसी है उसके लिए ये प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए जाहिर है कि कोई भी बहुत सारे मुल्कों ने चीन के साथ ईरान के साथ इस तरह के तलकान ज़रूर बनाए लेकिन उसमें ये लिमिट्स रखी कि आप जो है वो अमेरिका की डोमेन में या ऐसी चीज़ों में नहीं जा रहे जिसकी वजह से अमेरिका उस पर एतराज़ जाहिर है ये पोर्ट जो है ये जो ईरान को एडवांटेज देता था एकनॉमिकली या पॉलिटिकली उसको सामने रख के तो अमेरिका के लिए ये एक इशू था जिसको कि ज़ाहिर अमेरिका ने रेज़ किया और ये फिर इस हवाले से इंडिया के लिए भी एक मसला बन गया कि हम जो है इसको अमेरिका के साथ जिस तेज़ी के साथ इंडिया के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं पॉलिटिकल और एकनॉमिक उनको सामने रखते हुए क्या इस मनसूबे को जो है वो कंटिन्यू रखा जाए या नहीं जिस पर एक बहुत अरसे से इनके दरमियान ये चीज़ें चल रही थी इंडिया वर्सेज़ ईरान ईरान उनको इंसिस कर रहा था कि वो जो वो वो बनाना चाहते हैं रोड का मनसूबा बेल्ट जो है उसको डिवेलप करें जबकि इंडिया जो है वो फंडिंग के हवाले से इसको एक स्लो मोशन में चला रहा था इसमें बात ये नहीं थी कि इंडिया के पास फंड नहीं थे लेकिन मेरे ख्याल में वो स्ट्रेटिजिकली देख रहे थे कि हमारे इस अमल में अगर हम पूरे तरीके से जाते हैं तो इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रद्दमल क्या होगा जिसका वजह से फिर फाइनली क्या हुआ कि ये जो अब नई और ताज़ा तरीन खबरें हैं कि जी ईरान ने चीन के साथ जो है वो एक पच्चीस साल पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है और वो एक बहुत ही कम्प्रीहसि किस्म का एग्रीमेंट है जिसमें स्ट्रेटजिक भी है जिसमें एक्नॉमिक भी है ट्रेड भी है और ये सारे पोर्ट्स वगैरह और बेल्ट्स और ये एक सीपक टाइप चीज ही है, है कि जिसके तहत जो है वो ईरान और उसके गर्दो में जो इन्वेस्टमेंट है चीन की बड़े पैमाने पे जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी और इस हवाले से जो है वो ट्रेन ट्रैक और रोड्स जिस तरह के ये दूसरे मुल्कों में चीन कर रहा है तो उस हवाले से यूँ समझ लें कि चीन का जो एक इंटरनेशनल नेटवर्क जो चीन बना रहा है जिसको वो रोड और बेल्ट का मंसूबा कहते हैं उसमें ईरान जो है वो पूरे तरीके से शामिल हो गया गोया दूसरे अल्फाज में चीन ने मैं तो इस तरह देखता हूँ मैं इसमें ना कोई ईरान का कमाल देखता हूँ और ना कोई बहुत बड़ा फ़ायदा बल्कि मैं इस तरह देखता हूँ कि चीन की जो जो एडवांस हो रहा है मुखलि मुल्कों के अंदर वन बाय वन ये रोड और बल्ट के मनसूबे ले इन्वेस्टमेंट के, के मनसूबे ले के, और बड़े हाई इंटरेस्ट किस्म के लोन्स ले और डेवलपमेंट वगैरह के ले उसमें उसने एक और मुल्क जो है उसको शामिल कर लिया और अगर हम इस नुक्ता नज़र से इसको देखें तो फिर ये कोई बिग डील नहीं रहती उसमें फिर मुझे ये कोई बहुत बड़ा इशू नज़र नहीं आता कि इंडिया कैसे पीछे हट गया या बाहर निकल गया और चीन के इन हो गया चूंकि चीन का पहले ही इस पूरे ख़त्म में कई के साथ कहीं जो है वो चीज़ें चल रही हैं और ईरान तो खैर बिल्कुल ही बॉर्डर पे है चीन जो है वो मशरक़ी यूरोप जिसको आप ईस्टर्न यूरोप कहते हैं उसके बहुत सारे मुल्कों में उसके इस तरह के बेशुमार मनसूबे जो हैं वो चल रहे हैं और बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है जो एक रिपोर्ट तो खैर पहले आई थी जो फ्रीडम हाउस की भी उसमें भी इसका मेंशन था लेकिन और जो एन और मुख्तलि जो है जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके मुताबिक ईस्टर्न यूरोप में तकरीबन थर्टी फाइव कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर चीन ने अगर मकम्मल तौर पर नहीं तो बहुत हद तक जो है एक गिरफ्त कर ली है जिसमें उन्होंने रास्ता ये इख्तियार किया कि हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे आपको इन्वेस्टमेंट देंगे आपको टेक्नोलॉजी देंगे और इनमें से कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनमें के चीन और रूस दोनों बराबर के शरीक हैं रूस भी अपने तौर पे जिन जिन मुल्कों से उसका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया था सोवियत यूनियन के टूटने की वजह से उसको फिर वो बहाल करने के चक्कर में जो वो ईस्टर्न यूरोप की छोटी छोटी रियासतें जो बालकॉन की रियासतें हैं आ, उन पर जो है वो अपना असर व बढ़ा रहा है अब ये जो रिपोर्ट थी बाजार तो ये आम सी रिपोर्ट है लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग है चूँकि वो ये जो मुल्क आज़ाद हुए थे इनके अंदर एक डेमोक्रेसी का सिस्टम भी जो है वो स्टार्ट हुआ था मुकम्मल तौर पे नहीं लेकिन कम से कम प्रो डेमोक्रेसी यहाँ पे रजीम थे और लोगों के अंदर होप्स थी कि फ्यूचर में यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ह्यूमन राइट्स की जो है वो रिस्पेक्ट होगी और इस तरह का एक मॉडर्न जो है सोशो एक्नॉमिक सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाएगा उसकी वजह ये थी कि ये जो थर्टी फाइव रियासतें इनमें से बेशतर जो हैं वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और ज़ाहरा यूरोपियन यूनियन अपने हिस्से के अंदर यानी उनकी यूनियन के अंदर शामिल रियासतों में कम अज़ कम जो है वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पर कम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है Viewers please do go anywhere we'll be right back. Thank you. All natural sweetener. Flavor all. 20 flavors to choose from. The perfect substitute for sugar and artificial sweetness. Flavor all by Greenish Flavor all from Greenish now available at Rexall pharmacies Welcome back viewers Ms Kushani you were still mentioning about the Charbahar port and the information there Ah those mein baad mein was <laughs> saying why this is not something new jisme koi hairat Because I main ye expect isliye kar Iran type mulk चीन जो है ऐसे मुल्कों की तलाश में है कि जिनमें ना कोई डेमोक्रेसी है ना ह्यूमन राइट्स हैं ना कोई जुलूस निकलता है ना जलसा हो सकता है ना आवाम कोई किसी चीज़ पे वो कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो फिर वो लोकल रजीम के साथ मिलकर ना जो लूट मार मचाते हैं तो उसमें फिर उनका पूछने वाला नहीं होता इसलिए चीन के लिए बेस्ट जो फेवरेट त्रीन कंट्रीज़ हैं वो ये हैं जो ये मैंने लंबी बात की इसका मकसद ये था कि मैं ज़रा इसको Uh, सुनने वालों के लिए क्लैरिफाई करूँ कि इसके अंदर इंटरेस्ट क्या है जी तो बात ये मैं कर रहा था कि ये सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये जो रियासतें आज़ाद हुई थी इन्होंने डेमोक्रेसी का सफ़र किया यूरोपियन यूनियन का इनमें से बज़ हिस्सा बनी लेकिन अल्टीमेटली वो इसी तरह के मुल्कों के साथ मिल के जिनमें एक नॉन डेमोक्रेटिक किस्म की रजीम है तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यू टर्न लेना शुरू किया और इस रिपोर्ट के मुताबिक 97, 98 में जो ईस्टर्न यूरोप ये बालकॉन की रियासतें हैं इसमें 35 कंट्रीज थी जो प्रोग्रेस कर रही थी ऑन द फ्रंट ऑफ डेमोक्रेसी और उनमें से एफ फ्यू रह गई हैं जिनको आप डेमोक्रेटिक कह सकते हैं यानी फ्यू right. और बहुत सारी ऐसी हैं जिनका स्टेटस एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री चेंज हो गया है hmm. और वो किसकी हेल्प और सपोर्ट से हुआ चीन और रूस की चूँकि चीन और रूस के लिए तो ये कोई मसला नहीं ना कि वगैरह अंदर जो है डेमोक्रेसी है या नहीं बल्कि नहीं है तो अच्छी है जैसा कि मैंने अर्ज़ किया चूंकि डेमोक्रेसी के साथ अकाउंटेबिलिटी आती है अकाउंटेबिलिटी के साथ करप्शन ख़त्म होती है करप्शन के जहाँ खात्मा हो वहाँ पर इस तरह की इन्वेस्टमेंटें जो हैं वो बेकार हो जाती हैं चूँकि आपके हाथ कुछ नहीं आता तो इस फार्मूले के तहत मैं आपको बताऊं कि मसलन हंगरी है हंगरी में बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेमोक्रेसी थी ह्यूमन uh, राइट्स भी थे नाइन्टीज़ में उन्होंने इसको रिवर्स किया वन बाय वन और देखते ही देखते अब जो है हंगरी उसका एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नाम जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की लिस्ट से निकल गया है यानी आप ये अंदाज़ा कि इक्कीसवीं सदी में इस तरह का एक रिवर्सल और वहाँ जो एलिट है उसने जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे राइट्स रिवर्स कर दिए अब वहाँ एक किस्म की गवर्नमेंट है जो जो आर्डीनेंस जो है वो मर्जी जारी करे जितने हकूक मर्जी मतल करे और जिस तरह का निज़ाम मर्जी लाए अब उनके पीछे उनकी पुश्त पे जो आशीर्वाद है और जो सपोर्ट है मसलसल वो चीन की है खोसन इकानमी के हवाले से चूँकि लोगों को वो दिखा रहे हैं कि देखें हम तरक्की कर रहे हैं और अगर हमने तरक्की को पर तरजीह दी जमहूत को यानी बातें करने को तो फिर तो हम गए और वो वही ट्रैक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो चीन ने किया गुजशतर तीस चालीस साल में कि चीन के अंदर अवाम के जो हकूक सलब हुए जो डेमोक्रेटिक राइट्स रिस्ट्रिक्ट हुए उनके जवाब में उन्होंने लोगों को कहा कि भाई हम तो तरक्की कर रहे हैं हम आपको ग़ुर्बत से निकाल रहे हैं हमने मिलियंस की तादाद में लोगों को गुर्बत से निकाल दिया भूख नंग से निकाल दिया चीनी भूखे मरते थे आलू खाते थे आलू पे गुजारा करते थे हमने इस मुल्क को बदल के रख दिया तो आप कौन सी डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं ये एक अनफॉर्चुनेटली जो थीसिस था ना ये तीसरी दुनिया के इस तरह के अंडर डिवलप मुल्कों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ और इसके खिलाफ इंटरनेशनली भी कोई रद्द नहीं आया चूँकि यूनाइट स्टेट ऑफ अमेरिका का जो एक ट्रेडिशनल रोल बनता था या वेस्टर्न कंट्रीज़ का वो उन्होंने खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर लिया के वो जो पहले एक चलो नाम ना आती सही लेकिन एक जिक्र करते थे उसको चूंकि अब सूरत हाल ये बन गई कि जिक्र भी कोई नहीं करता तो इस तरह ये पूरी जो लैंडस्केप बदली हंगरी के बाद अब पोलैंड भी उसी रास्ते पे है और जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे नज़र रखे हुए उनका ख्याल है कि बहुत जल्दी वहाँ डेमोक्रेसी जो है वाइंड अप हो जाएगी और ये बात बातजरी सारा ईस्टर्न यूरोप जो है वो पहले की तरह वापस उसमें चला जाएगा तरक्की करेगा मुमकन है चीन की मदद से ऑबियसली लेकिन ये वहाँ के अवाम ने तय करना है कि उनको एक ऐसी तरक्की चाहिए जिस जिसपे उनके आमरीत मसलत हो या उन्होंने एक ऐसे निज़ाम की तरफ बढ़ना है जहाँ तरक्की भी हो और डिवलपमेंट भी हो अब इस ये बात फिर घुमा फिरा के तो वापस चली जाती है यूनाइट स्टेट अमेरिका के और यूरोप के किरदार पर चूंकि ज़ाहिर एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ मुल्क होते हैं जो इस मामला में आगे आते हैं और वो इस तरह की प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज़ करते हैं या इस तरह की प्रैक्टिसेस को अप्रिशिएट करते हैं ताकि मुल्कों की हौसला अफजाई होती है उनको डेमोक्रेसी की तरफ रास्ते पर रखना पड़ता है उनका कोई माशी मसला है तो उसमें उनकी मदद करनी पड़ती है उनका कोई समाजी मसला है तो उसमें उनके साथ खड़ा होना पड़ता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनके साथ होना पड़ता है तो अब जब आप लोगों को एबेंडन कर दें इस तरह के छोड़ के भाग जाएं तो उनको फिर देखने के लिए कोई सहारा चाहिए होता है तो उन्होंने जो है वो चीन की टेक लेनी शुरू कर दी अब मैं बात ये कर रहा था कि चीन जो है वो यूरोप तक पहुंचा हुआ था पहले ही तो ईरान के अंदर जो इतना साजगार किस्म का माहौल उसके लिए बनता था उसमें उसके ना इंटर होने की एक वजह तो पहले इंडिया थी क्योंकि इंडिया उसके साथ एक पार्टनरशिप में आया हुआ था तो उस वजह से भी एक थोड़ा सा फ़र्क पड़ता था लेकिन अब ये जो सिचुएशन हुई जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि इंडिया ने ये देखा कि अगर हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी एक का इंतबा करना है तो जाहिर है कि वाइज डिसीजन ये होगा विजडम का तकाजा ये होगा कि हम अमेरिका के साथ जाएं चूँकि इंडिया कोई रेवोल्यूशनरी कंट्री नहीं है yeah. रेडिकल के वो कहे कि जी हम, हम अमेरिका को नहीं मानते और हम ये कर देंगे वो तो इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से देख रहे हैं और फ्यूचर की जो नई सफबंदियाँ हैं और उसमें जो नए स्ट्रैटेजिक अलाइंस बन रहे हैं उस हवाले से देख रहे हैं तो उस हवाले से अगर वो ये डिसीज़न करते कि हमें हम ईरान के साथ जा रहे हैं और पोर्ट बना रहे हैं या इस तरह की तजारत कर रहे हैं और हमें कोई परवाह नहीं तो मैं समझता हूँ कि वो एक डिसीजन जो है वो किसी भी अतबार से इंडिया के लिए और इंडिया के लोगों के लिए बेहतर ना होता लिहाजा मैं इस गेम में ये जैसा कि मैं इंडियन मीडिया पर देख रहा था कि वहाँ पर बहुत बड़ा शोर पड़ा हुआ है कि देखें जी हम तो हमें जो है वो डिच कर दिया गया ईरान हमें छोड़ के चीन के साथ चला गया हमारा बहुत बड़ा मनसूबा नाकाम हो गया मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता मैं समझता हूँ कि दिस इज़ ए वेरी वेरी एक स्मूथ किस्म के प्रोसेस में एक स्मूथ किस्म का डिसीजन हुआ है और एक नेचुरल अलाइज वाली बात जो है वो इस तरीके से जो है वो खुल के सामने आई है तो इस हवाले से इसमें जो है अलबत् इसका आगे जो फ्यूचर की चीज़ें हैं देखें उसमें तो हमने इसको एक वसी पिक्चर में देखना है कि ये चीन के लिए कोई हैरत अंगेज़ कारनामा या बहुत बड़ी कामयाबी नहीं छोटी भी नहीं है क्योंकि ईरान एक बड़ा मुल्क है रिसोर्सफुल भी है बहुत सारे हवालों से उसका आयल जो है वो चीन को चाहिए एक बहुत बड़ी तादाद में और जवाब में ईरानियों को टेक्नोलॉजी चाहिए बहुत कुछ चाहिए जो कि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल किस्म की चीज़ जो है वो बनती है लेकिन जो इंटरनेशनली जो नई सेफबंदियाँ हो रही हैं उसमें आप ये देखें ना कि आप दोनों तरफ नहीं हो सकते अब ये बात भी कोई लाजम नहीं है कि आप किसी एक के साथ खड़े होकर लड़ें जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इंडिया के लिए ज़रूरी नहीं कि वो चीन और अमेरिका में से किसी एक का इंतबा करे और दूसरे का दुश्मन हो जाए जी। मैं समझता हूँ कि चीन की ये जो पॉलिसी थी इंडिया की हिस्टोरिकली कोल्ड वार के दौरान दैट वाज ए वेरी वेरी वाइज पॉलिसी क्योंकि उसमें पंडित नेहरू या जो भी उस पॉलिसी के अंदर पिलर के तौर पे काम करता था उसने अपने आप को इस तरीके से बैलेंस रखा कि एक वक्त में वो सोवियत ब्लाग का हिस्सा भी बन गए सोवियत यूनियन के साथ पार्टनरशिप भी उन्होंने कर ली लेकिन एन उसी वक्त उन्होंने जो है वो वेस्टर्न ब्लाग के साथ भी ताल्लक़ को बहुत हद तक बहाल रखा स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ वेस्ट से उन्होंने इसलाह ख़रीदा स्वीडन से उन्होंने तोपें ली और सोवियत यून से भी ली उन्होंने जनाब जर्मनी से भी और दूसरे सारे ममालिका उसी तरीके से वो किया तो वो अगर उस कोल्ड वार के दौरान इतने सक्सेसफुली आप बीच में प्ले कर सकते हैं और इस सब से फ़ायदा उठा के उन्होंने क्या किया कि एक तो उन्होंने सोवियत यून से टेक्नोजी ली और अपनी जो है वो इंडस्ट्री डिवेलप की यानी इस वक्त जो आपको हिंदुस्तान में इंडस्ट्री नज़र आती है ज़ाहिर इंडस्ट्री को रातों रात नहीं डिवेलप होती कि ये कोई ओपननेस के बाद हुई उसमें बहुत पीछे से एक जो है वो प्रोसेस चला और उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ जोड़ कर अपने आप को गैर जानबदार भी शो किया तो उस हिसाब से ये अब भी हो सकता था कि ज़रूरी नहीं कि आप चीन के ख़िलाफ़ होके तो अमेरिका के साथ हो जाएं या उनके उसका हिस्सा बन जाएं लेकिन उसमें जो नेचुरल अलाइंसिस बन रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं उससे पर इंडिया आपने आपको अलग रख भी नहीं सकता परफेक्ट थैंक यू मिस प्लीज गो यू Natural sweetener, Flavorall. 20 flavors to choose from. The perfect substitute for sugar and artificial sweeteners. Flavorall by Greenish. Flavorall from Greenish. Now available at Rexall Pharmacies. हाँ we the, um, the तो वो बाद में कह रहा था ना कि choices क्यों नहीं रहते कि मसलन अब जो कुछ साउथ चाइना सी में एक strategic सिचुएशन develop हो गई है या पूरे एशिया में जो नए alliances बन रहे हैं उसमें एक तरफ तो एक डेमोक्रेटिक ब्लाक है या जो मुल्क जिन मुल्कों में democracy है उनके दरमियान एक अलायंस बनता है जैसे आप देख लें जापान हो गया या आ, इंडिया हो गया तो वो फिर एक नेचुरल अलायंस बनता है क्योंकि किसी मुल्क के दरमियान किसी अलायंस के लिए एक कोई कदर मुश्तक होना ज़रूरी होती है देर शुड बी समथिंग इन कामन अदरवाइज वो रिलेशनशिप है या अलायंस है वो ज़्यादा अरसे तक चलता नहीं दूसरा वहाँ पर जो गेम चेंज हुई है ये जो पैसिफिक एग्रीमेंट था अमेरिका ने जो जिससे बाहर निकला है उसकी वजह से ख़ुद एशिया के अंदर जो है अब एक सिचुएशन ऐसी बन गई है कि उसमें नई पावर्स जो है एमर होंगी जिनका अपना अपना एक वहाँ पे रोल बनेगा खा उसमें जो है वो जापान और इंडिया का मिल के बने या वियतनाम और इस तरह के दूसरे ममालिक उसमें शामिल हों तो उस अतबार से जाहिर है कि अब वहाँ ये रोल जो है वो क्रिटिकल है क्योंकि वो रोल एक डेंजरस किस्म का टर्न भी ले सकता है यानी इस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ख्याल है कि चीन जो है वो साउथ चाइना सी में बहुत बड़े बड़े जो इलाके हैं उनको क्लेम कर चुका है और क्लेम करता जा रहा है उसने वहाँ पे अपने बड़े पैमाने पे जो इंस्टॉलेशंस की हैं और जो जिस तरीके से अपनी प्रेजेंस शो की है ना सिर्फ ये कि बल्कि अंदर की खबरें ये हैं कि ये जो साइबर अटैक्स हैं और टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस तरह की जो जदीद टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप दूसरे मुल्कों की एक्टिविटी को डिसरप्ट कर सकते हैं मसलन ये है कि चाइना के पास अभी ये कैपेबिलिटी आ गई है कि वो वहाँ पर अमरीकी जो सारे ऑपरेशन हैं उसको इंटरफेयर कर सकें थ्रू जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग किस्म की एक सिचुएशन है जिसकी वजह से ये अब अगर इनके बस में ना भी हो फिर भी ये मुमकिन है कि एक तसादम जो है वो कोल्ड वार से निकल के तो एक हार्ट किस्म की तसादम में बदल सकता है तो उस हवाले से फिर आप टोटली गैर जानबदार भी नहीं रह सकते स्पेशली वन चाइना और इंडिया के दरमियान एक पहले से टेंशन जो है वो काफ़ी हद हाँ तक आगे बढ़ी हुई है mm -hmm. वाह वो लद्दाख के मसले पे हो या साउथ चाइना सी इंडिया सी के अंदर जो है जो उनका मफादत हैं उसके टकराव के हवाले से हो या आप उन दोनों के दरमियान तजारत जो है इस हवाले से हो तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि ये एक नेचुरल टर्न है जो इंडिया ने लिया है और ये जो चीन और ईरान का आपस में एहतात बना ये भी क्वालचुर है इस पर लाइट क्या डालनी है ये तो ऐसा अंधेरा किस्म का काम है <laughs> कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जिसकी बहुत बड़ी मजम्मत करनी चाहिए मुझे अफसोस इस बात पर आया कि जो मुसलमान हैं अपने आप को सौ कार्ड मुसलमान कहते हैं वो इस पर खुश हैं और वो इसको इस तरीके से देख रहे हैं जैसे ये उन तुर्कों ने को बहुत बड़ा मार्का मार दिया यानी मस्जिद बनाना बहुत अच्छी बात है Being ए मुस्लिम मैं भी इस पर बिलीव करता हूँ मस्जिदें बनाएं दुनिया में जितनी मस्जिदें आप बना सकते हैं वो बनाएं उसमें कोई हर्ज नहीं है जितनी आपके पास ज़मीन है खाली पड़ी है बना लें तो खुदा के नज़दीक कोई जगह भी जो है वो मखसूस नहीं है कि ये मस्जिद है तो ये मेरे नाम पर ही हो चूँकि खुदा को ज़मीनों पर काबज़ नहीं होता हमारी तरह कि ये कहे कि नहीं जी ये सबसे खूबसूरत है या बड़ी मस्जिद है तो ये मेरे कब्जे में दे दो ये काम जो लोग कर रहे हैं ना वो अपनी अवसगिरी और अपनी लालच और अपनी खुद गर्जी जो है उसको डिस्प्ले करते हैं और ख़ुदा के नाम पे उसको लगाते हैं मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए इसमें खुश होने की नहीं मातम करने और बहुत बड़ी जो है ना वो एक डिस्टर्बिंग किस्म की अनसेटलिंग किस्म की फीलिंग होनी चाहिए चूँकि ये जो काम इसने किया ये पीछे जा के हिस्ट्री से जुड़ता है तुर्की में जो सुल्तनतमानिया थी उसके ज़माने में बहुत सारे काम ऐसे हुए जो के दुरुस्त नहीं थे आल्दो के वो एक मल्टाई कल्चरल मल्टाई एथनिक के किस्म की सोसाइटी थी चूँकि बहुत बड़ी सुल्तनत थी उसमें ग्रीक भी थे उसमें अरब भी थे तो इस हवाले से एक डाइवर्सिटी थी लेकिन इसके बावजूद वहाँ बहुत सारे ऐसे काम हुए जो हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं थे और उनको करेक्ट करने की ज़रूरत थी मसलन ये जो था ये आया सोफिया जो मस्जिद बनी है या म्यूज़ियम से मस्जिद बनी है ये बुनियादी तौर पर चर्च था तो तुर्कों ने जब कब्ज़ा किया तो उन्होंने उसको जो है वो इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया जो कि बहुत हिस्टोरिकली अनजस्ट किस्म का कदम था किसी भी इबादत गाह को वो भी खुदा की इबादत गाह है आप किसी दूसरे में कन्वर्ट करने का ज़ाहिर है किसी को नहीं तो ये बाद में जब अता तुर्क जो है उनके हाथ में इख्तियार आया तो उन्होंने इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की विच वॉज़ ए गुड थिंग कि उन्होंने कहा कि भाई इस पर तो कई सालों तक जो है वो ईसाइत का भी मलकियत रही कई सालों तक मुसलमानों की इंटाइटलमेंट रही तो लिहाजा हम दोनों को निकाल के इसको म्यूजियम बना देते हैं ताकि दोनों इसमें इंजॉय करें बीच में मस्जिद भी ये कोई उसने हटा नहीं दी थी वो मस्जिद वहीं पे थी उसका जो पोर्शन था दैट वाज देयर लेकिन उसको वो रवायती किस्म की मस्जिद जिसमें आजाने होती, होती हैं और जमातें होती हैं उसकी वो नहीं थी अब ये जो रेक्टिफाई उसने किया ना देखें ये इन लाइन विद हालांकि ही वाज ए सेकुलर पर्सन लेकिन इट वाज इन लाइन विद इस्लामिक ट्रेडिशन चूंकि ये ख़ुद हज़ुर सल्लम ख़ातम नबीन के दौर में भी जो सेंट कैथरीन चर्च का किस्सा है मशहूर है कि उन्होंने उसको किस तरह प्रिजर्व किया था ख़ुद अपनी उसमें एक बहुत बड़ी हिस्टारिकल एग्जांपल थी कि उन्होंने कहा कि ये ईसाइयों की इबादत गाह है जो मुकदस है और इसकी हिफाजत की जानी चाहिए कन्वर्ट करना या उस पर कब्जा करने की बात नहीं फिर जब हजरत उमर फारूक की ज़माने में जो बायर फोतवात शुरू हुई तो जहाँ पे ये सैनिक आग थे या टेंपल्स थे ये सब चीज़ें थी उन्होंने उनको प्रोटेक्ट करने का हुक्म जारी किया कोई एक भी कन्वर्जेशन नहीं हुई क्योंकि बुनियादी तौर पे ये है ही बहुत ही बूंदा किस्म का तरीका खुदा की खिदमत करने का कि आप किसी और की आबादगा छीन के तो उसमें अपना जो है ना काम शुरू कर दें तो इन सब चीज़ों की इन लाइन उसने उसको रेक्टिफाई करके म्यूज़ियम बनाया अब ये जो कुछ इन्होंने किया इन्होंने सब की तो इनकी और ये साबित किया कि इस्लाम के अंदर जो फंडामेंटलिस्ट मैंटालिटी है दे हैव नो ब्रेंस चूँकि इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं उन्होंने एक नया जख़्म जो है खरीदा है और एक नई बुनियाद डाली है ताकि लोग मिसालें दें कि जनाब जो है ये ऐसे लोग हैं कि इनके किसी दूसरे मज़हब के लिए किसी दूसरे कल्चर के लिए किसी दूसरे शख्स के लिए इनके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है ये सारे मुसलमानों की इंसल्ट है और मैं समझता हूँ कि उनको शर्मिंदा करने वाली बात है इसमें कोई फ़ख्र की गुरूर की या ऐसा काम नहीं है जिस पर कोई जो है वो खुश हो सके तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बैड किस्म का डिसीज़न था और ये फ्यूचर में इनके लिए मैं इसको एक्सपेक्ट इसलिए और नॉर्मल समझता हूँ इसको भी मैं क्योंकि मैं इन लोगों से इससे बेहतर की तो नहीं रखता तुर्की इज़ वन ऑफ़ दी एग्ज़म्पल जो पहले मैंने आपको दी कि जहाँ डेमोक्रेसी रिवर्स हो रही है गुजतः पंद्रह बीस सालों से वहाँ बहुत साफ़ी जो हैं, वो जेलों में बंद हैं पोलिटिकल वर्कर जेलों में बंद हैं और ये जो मौजूदा एलिट रजीम है ये फंडामेंटलिस्ट किस्म के लोग हैं जिनके जहन में ये है कि हम सुल्तनत ओस्मानिया को बहाल करेंगे पहले उनके जहन में ये था कि हम यूरोपियन हैं और हमें यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाया जाए और 20 साल तक वो इस पर रोते रहे अब वो कहते हैं हम जनाब तुर्क हैं और ईस्टर्न हैं और हम जो है अपनी सल्तनत बनाएंगे और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो वहाँ की जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं उनको खुश करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसमें कि मुझे कोई विजडम नजर नहीं आती